हेलो। सो अज गल करांगे भी साडी फिटनेस जर्नी दे विच चीट मील जिहनूं आपां कह दिंदे आ उहदी इंपोर्टेंस की हुंदी है ना, ते क्यों कीती जांदी है चीट मील। ते चीट मील जिद्दां देखो भी आपां कंसिस्टेंटली एक आपां डाइट ते चलदे पए आं, पर्टिकुलरली जिहड़ी आपां डिसाइड कीती अपने गोल दे अकॉर्डिंगली। तुसीं फैट लॉस कर रहे हो, मसल गेन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उहदे अकॉर्डिंगली जे तुसीं सेम डाइट ते लंबे टाइम लई तुसीं फॉलो करदे हो ना, उत्ते चलदे हो, तो एक टाइम इदा आती है थोड़ी बॉडी रिजल्ट देना बंद कर देती है या स्लो कर देती है। उन्होंने आप कहने बॉडी प्लैटो हिट कर गई है। प्लैटो की होंगे, प्लैटो मतलब थोड़ी बॉडी कोई भी रिस्पोंस ना आना किसी चीज़ का, मतलब तुम लगातार एक्सरसाइज कर रहे हो, लगातार डाइट कर रहे हो, तो उस केस के आप जो अपनी चीट मील में एक बड़े वधिया तरीके यूज़ करते हैं भी वो साडे रिजल्ट द्वारा तो देने लग पवे डाइट है ना। सो इदा होंगे भी बॉडी इदा करती है, जो साडी बॉडी स्ट्रैस होंगे किसी भी चीज़ का तो वह रिजल्ट देना बंद कर देती है। स्ट्रैस आप कह लें भी कोर्टिसोल होरमोन होंगे एक साडी बॉडी, जिन्होंने आप स्ट्रैस होरमोन भी कहने, जो साडी बॉडी वह ज़्यादा सिक्रीट होने लग पाता तो बॉडी साडी रिजल्ट देना बंद कर देती है। इन दैट केस आप इंट्रोड्यूस करते हैं चीट मील में, या तो ऑफलोड वीक तुम सुने होना काफ़ी ज़्यादा भी आप एक्सरसाइज जो हैवी लगातार ला रहे हैं, साडे रिजल्ट रुक गए हैं, रिकवरी नहीं हो रही, तो एक वीक आपू लाइट कर देंगे या वेरिएशन लेके आवेंगे बेसिकली कुछ भी। तो उदा ही होंगे अपनी डाइट के नाल भी, जो आप लगातार डाइट फॉलो करी जानी है तो बॉडी ने की करना, बॉडी साड़ी स्ट्रैस च आ जाऊगी, तो उस स्ट्रैस तो थोड़ा जहा अलग अलग लाइफ स्टाइल जो आप देना ना, उन्होंने थोड़ा जहाँ चेंज करना, तो वो की होगा साड़ी दोबारा तो बॉडी नू थोड़ा कह लो बॉडी का स्ट्रैस रिलीज़ होना। जिदा हूँ इन दी एंड आप यार जो डाइट कर रहे हैं लगातार करी जाने बॉडी ने स्ट्रैस से तो आना ही है, थोड़ी थोड़ा मैंटल पीस भी कुछ होंगे भी तुम खुश नहीं होंगे यार एक तरह ना, तुम स्ट्रिक्टली कर रहे हो उस चीज़ नू बट बॉडी चेंज नहीं देख रही, इस करके वो खड़ गई है। कई केसिस तो इदा भी होंगे भी तुम कैलरी सेम ले जाने हो तो नहीं रिजल्ट आ रहे, सानू कैलरीज भी टाइम टाइम टू टाइम चेंज करनिया पैंदियां, बट अगेन तो यूट्यूब की जनता ज़्यादा फिर जिदा वो पढ़ते हैं एक कैलरीज उन्होंने रख ली अपने गोल के अकॉर्डिंगली, डजन मैटर भी उन्होंने वेट घटता पाया वाधा पाया, तो उन्होंने सेम कैलरीज लेके भी ये एक्सपैक्ट करना कि साडा रिजल्ट आंदा रहूगा, ऐदा कदे नहीं होंदा। बट चलो एक डिफरेंट केस है जो वो बारे फिर गल करांगे, बट वैन इट कम्स टू चीट मील नू आपां इस तरीके नाल लैणा हुंदा भी आपां रिजल्ट देखिए। मेरे कई क्लाइंट इदा ने लगातार फैट लॉस की डाइट फॉलो करते रहते हैं, तो एक टाइम तो आके जो उन्होंने मोस्टली डेढ़ महीने तो बाद इदा हों छे सत्त वीक तो बाद इदा हों उन्हों रिजल्ट आना थोड़ा स्लो हो जाता, तो उस केस मैं की करता हूँ मैं एक चीट मील या एक चीट दे देना हूँ उन्होंने, तो उस तो बाद कई वेले उन्होंने वेट घटिया होंगे, 1.5 किलो रिड्यूस होया होंगे वेट, तो वह किदा होंगे बॉडी स्ट्रैस रिलीज़ कर देती है। आप अपनी बॉडी नू एक तरह ना कोई ट्रीट दें रिवॉर्ड दें बॉडी नू, ठीक है, तो वो साडा माइंड रिलैक्स होंगे, तो उस तो बाद रिजल्ट आने दोबारा शुरू हो जाते हैं, तो इदा यूज़ किया जाता। चीट मील इदा नहीं होंगी भी आप हर वीक हर एक वीक आप एक या दो बारी आप चीट मील ले लीए, इन्नी फ्रीकुएंसी भी सही नहीं होंगी कि जिदा थोड़ा दस्या 6 या 7 वीक जो थोड़े रिजल्ट रुकते पे हैं तो तुम ऐड कर सकते हो, अदरवाइज जो थोड़े रिजल्ट आ ही जा रहे हैं दैन इट्स ओके कि तुम अपनी डाइट में फॉलो करो है ना, बहुत ही चीट मील लोगे तो उदो कम नहीं आनी जो थोड़ा लोड़ पैनी है इस चीज़ की, ठीक है। एक एलीमेंट है जोड़ा आप उदो यूज़ कर रहे जो सूँ लौड़ है, इनू वध यूज़ करा तो अगेन थोड़ी डाइट नहीं रह जानी कदम भी, जो तुम फॉलो कर रहे हो ना डाइट प्लैन प्लैन नहीं रह जूगा, उच्च थोड़ी काफ़ी सारे चीट मिल से चीट डे दे विच एक थोड़ा जहा डाइट प्लैन हो जाना है ना, आप उदा बिल्कुल नहीं करना। सो जो करो सीरियसली करो, तो मेयर करो अपने अकॉर्डिंगली भी, तुम जे वेट लूज़ करना शुरू किया सपोज मैं फैट लॉस का एग्जाम्पल लैंना, तुम एक कैलरी सैट कीतियाँ, थोड़ा BMR आया 2000 कैलरीज का, तो तुम कर ली 1800 कैलरीज, ठीक है, तुम देखिए थोड़ा रिजल्ट मिलता पाया 3 वीक 4 वीक के बाद थोड़ा जिहड़ा वो है भी कहना अपना वेट घट गया, तो यार ओबियस जी गल है भी जो थोड़ा वेट घटूगा थोड़ा BMR भी चेंज होना, राइट, कैलरीज इनटेक घट होनी है। हुण 1800 कैलरीज जिहड़ी तुसीं पहला अपने फैट लॉस लई लै रहे सी 200 कैलरी डेफिसिट करके, वो डेफिसिट नहीं रह जाणगी, मेंटेनेंस ते आ जाणगी, उहनूं डेफिसिट करन लई या तुहानूं अपनी
कैलरी इनटेक घटानी पैनी है या थानू अपनी जी कैलरी बर्निंग वाली स्टेट है उन्होंने थोड़ा बढ़ाना पैना भी तुम एक्सरसाइज वध करो या मैटाबोलिज्म फास्ट करो किसी तरीके भी थोड़ी कैलरी ज़्यादा बर्न हो कंज्यूम घट करो सिंपल जहा फंडा फैट लॉस का इनटेक घट करनी है बर्न ज़्यादा करनी है वह फैट लॉस हो जाता ठीक है कोई रॉकेट साइंस नहीं हैगी बाकी ट्रिक करना होंगे जो साड़ी बॉडी रिजल्ट देना बंद कर देती है उद्दे एक एलीमेंट आह हों जिन्हों आप चीट मील कह लें या ऑफलोड भी कह लें सो इदा ट्राई करो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं बाकी डीएम कर दौ जो कोई भी क्वेरी होए तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं वधिया तो वधिया कॉन्टेंट थानू दे सकूं थैंक यू।